हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपने दिल की बात आप लोग से करने फिर मैंने अपने पिछले ब्लॉग में नहीं, उसके कुछ दिन पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा अभी मुंबई जाना कंफर्म है या नहीं है, मैं मुंबई जाऊँगी या यहाँ बिहार में स्टे करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मुंबई जाना फाइनल हो गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी महाराष्ट्र में केसेस भी बहुत कम हैं, तो इसमें मुंबई जाने में मुझे अब कोई डर नहीं लग रहा है। आगे भगवान की मर्जी, सब अच्छा रहे। और बस मुंबई मेरा निकलना हो रहा है, क्योंकि यही वाइज डिसीजन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी अकेले वहाँ फिर मैं यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने यही मिलकर डिसाइड किया कि अब हम लोग मुंबई के लिए शिफ्ट होंगे। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मुंबई मुंबई में पहुँच कर मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पे मेरा वहाँ का घर कैसा है। और मैं जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है उनको अच्छे से समझ में आता होगा कि शिफ्टिंग क्या है। लेकिन मेरे हस्बैंड चूँकि 1 मंथ से वहीं पे है, तो उन्होंने शिफ्टिंग का आधा जो काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब कर दिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मेरे जाने के बाद ही होगा, तो मैं वो सब, चलिए मेरे साथ चलिए मुंबई के लिए। तो हम लोग मुंबई के लिए निकल गए हैं अब, और मैं मुंबई पहुँच कर आपको अपने नए नए ब्लॉग्स शेयर करूँगी। तो बस यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है, और आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ से चांद फ्लाइट से देखने में कैसा दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये लैंडिंग का समय है, फ्लाइट हमारी लैंड कर रही है मुंबई। तो भी नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मैंने वीडियो क्लिप्स इसकी ले ली। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली बन रही हो। और बस बहुत ही खूबसूरत था। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गई हूँ मुंबई, और अभी मैं पार्क में हूँ। यहाँ सामने पार्क जो है वहाँ पे मैं आई हूँ, और अच्छा लग रहा है। रहते रहते अच्छा लगने लग जाएगा। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ से हमें लगाव तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिर नए जगह को हमें अपना बनाना पड़ता है। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, धीरे धीरे अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे सामने ही है, मैं यहाँ पे आई हूँ, और मेरा बिल्डिंग अपार्टमेंट बिल्कुल सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये मेरी बिल्डिंग है, और यहीं पे मेरा 4th फ्लोर पे मेरा रहना हो रहा है अभी। तो मैं आराम से डिटेल में आपको सेटल होने के बाद पूरा होम टूर करके दिखाऊंगी। और फिर बस ये छोटा सा अपडेट था। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।